बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम। क्या पढ़ रहे हैं? आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो आरोही क्रम और असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या है? दस। छोटी संख्या है? Yes, दस से बड़ी संख्या क्या है? तीस। तीस से बड़ा क्या है? जब हम दस से तीस पे जंप करेंगे यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जंप करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा आरोही क्रम। तीस से हम साठ पे जंप करेंगे तो संख्या बढ़ रही है तब भी असेंडिंग ऑर्डर होगा। और इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आते हैं उससे 120 है ये? अगर हम 120 से 90 पे जंप कर रहे हैं तो ये हमारा अवरोही क्रम होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हम 90 से 60 पे जंप कर रहे हैं तब भी अवरोही क्रम होगा। तो समझ में आया बच्चों? चलो अब हम टीएन के हेल्प से समझेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और वो आंसर देगा, ठीक है? सबसे पहले कौन आएगा? आ जाओ रिया। अभी हम कहां पे है, हमारा पॉइंटर कहां पे है? 30 पे, 30 पे। और ये जंप करके आ गया 60 पे, तो ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और अब ये 60 से जंप कर गया 100 पे, अब क्या हुआ? आरोही क्रम। और अब क्या होगा? अब ये 100 से 50 पे आ गया, अब क्या होगा? अवरोही। और 50 से आ गया ये 10 पे, अब क्या होगा? हम 10 से जंप करेंगे 80 पे, अब कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई। क्या आएगा? आ जाओ राधिका। राधिका हम अभी कहां पे हैं? 80 पे हैं। और हम 80 से आ गए 50 पे, कहां आ गए? 50 पे। ये कौन सा क्रम हुआ? अवरोही क्रम, क्योंकि घटा। और 50 से हम आ गए 20 पर, अवरोही क्रम। वेरी गुड। और 20 से हमने जंप कर दिया 90 पर, अवरोही क्रम। वेरी गुड। और 90 से आ गए हम 100 पर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और एक अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो राधिका के लिए। अब नेक्स्ट वन आएगा ईशा। अभी हम कौन से नंबर पे हैं? इधर हो, अभी हम कौन से नंबर पे हैं? जो से बोलो, 100 पे हैं। अब हम 100 से जंप कर दिया, ये किस नंबर पे जंप किया हमने? 60 पे। कौन सा कर्म हुआ? कौन सा? पक्का? अब वही कर्म। 60 से हमने जंप कर दिया 10 पे, अब कौन सा कर्म हुआ? अब वही। और हम 10 से आगे जंप करके किस पे आगे? किस पे आए? 70 पे। क्या कौन सा कर्म हुआ? आरोही क्रम, पक्का? और 70 से हमने जंप कर दिया किस पे? 90 पे। कौन सा? आरोही क्रम। तो समझ में आ रहा है? क्लैपिंग करो भाई ईशा के लिए। अब नेक्स्ट कौन आएगा? क्रिश आ जाओ। क्रिश, हम कौन से नंबर पे हैं? 90 पे। और अब हम आ गए किस पे? तो कौन सा कर्म हुआ? अब वही कर्म। वेरी गुड। 50 से हम आ गए किस पे आ गए? तो कौन सा कर्म हुआ? अब वही कर्म, घट गया। और 10 से हम कहां आ गए? ये कौन सा हुआ? अब वही कर्म। और 70 से हम आ गए, अब कौन सा कर्म हुआ? आरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही क्रम को जोर से बोलो तो बच्चों को सुनेगा। और आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इंग्लिश के लिए। तो बच्चों टीएनएम की हेल्प से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हुआ? आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? yes,